हाँ कौन? अरे हेलो। हर महादेव जी, महादेव बहन जी, कौन? मैं कौन? ब्राह्मण? भोपाल से बोल रही हूँ। रमन जी, गुरु ये बताइए। अच्छा जी, हमें अपने नातिन के बारे में जानना है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 2011।2011 समय समय सुबह 7:50 से है। टाइम कुछ कंफर्म नहीं, 8 बजे मिल सकता है। ये 7:50 सुबह। कहाँ का जन्म है? यूपी उन्नाव का है। उन्नाव? उन्नाव उन्नाव एक मिनट, एक मिनट लाइन पर रही और ना ढूंढते हैं। पहली बात तो बिटिया को बधाई, आज उसका जन्मदिन है। भगवान उसको सुखी रखे। अब बात निकल ही आई है तो एक बहुत अच्छे रहस्य की बात आपके माध्यम से सभी लोगों को बता देते हैं। जिस दिन जन्मदिन पड़ता है उस दिन मनुष्य को थोड़ा सा नमक और नमकीन वस्तुएं दान करने से साल भर के संकट टल जाते हैं। मीठा मीठा भले मत बांटिए, थोड़ा सा नमक और नमकीन गरीबों में जरूर बांटिए, ऐसा करने से साल भर के संकट टल जाते हैं। दूसरी बात, जन्मदिन के दिन मार्कंडे मुनि और मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करने से मनुष्य के साल भर के संकट दूर हो जाते हैं। नेट पर सर्च कर लीजिए, काशी से आगे तक 15-20 किलोमीटर दूर मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहां ऊपर चबूतरे में शिवलिंग रूप में मार्कंडेय मुनि है। पहले मार्कंडेय मुनि के दर्शन और प्रणाम करें, उसके बाद में मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करें। ऐसा करने से मनुष्य के साल भर के संकट टल जाते हैं। ठीक है, अब इस बच्ची की कुंडली जांचते हैं। इसकी कुंडली अगर सही है तो यह देखने में बहुत ही मनमोहक और सुंदर होनी चाहिए। सही है कि गलत? सही है। थोड़ा जोर से बोलिए। इसकी कुंडली अगर सही है तो इसको क्रोध यानी गुस्सा जरा जल्दी आती है। सही है कि गलत? जी, गुस्सा आने लगा, पहले तो नहीं था, अभी आता। हाँ, पढ़ने लगेगी धीरे धीरे। इसको सर्दी जरा जल्दी होती थी शुरू से। सही है कि गलत? जी, सही है। कुंडली सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही है, पढ़ाई के बारे में नहीं जानना था हमको, तो क्या करेगी, कुछ भी नहीं पढ़ती है। बस थोड़ा बहुत पहले पढ़ती थी, अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ती, मन नहीं लगाती। देखिए, इसकी कुंडली में कुछ ग्रहों ऐसे पड़े हैं कि पढ़ाई लिखाई में सही बात है कि मन नहीं लगेगा, और थोड़ा सा धीरे धीरे संगति भी बिगड़ेगी। कुंडली ऐसे संकेत दे रही है। तो आप ऐसा करिए कि इस लड़की के नाम से आप सुंदर कांड का पाठ करिए, या आप नहीं कर सकती तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें सुंदर कांड की लिंक भेज दीजिए, हम आपको सुंदर कांड की लिंक भेज देंगे जो हमारे द्वारा यूट्यूब में अपलोड किया गया। लेकिन हमने उसे मुहूर्त में चौघड़िया में अपलोड किया है यूट्यूब में, परंतु आप उसको अगर डाउनलोड करेंगे तो उसकी चौघड़िया मुहूर्त फिर बदल जाएगी, और जब मुहूर्त बदलेगा तो उसका वह परिणाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा नेट खर्च होगा, रोजाना वीडियो देखने में जो खर्च होता है, आजकल तो नेट लगभग फ्री मिलता है, तो आप उसी नेट के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से ही सुनिए। आप लिख दीजिए हम लिंक भेज देंगे, आप लिख दीजिए हमें सुंदरकांड की लिंक भेज दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे और रोजाना इसके लिए सुंदरकांड सुनिए तो ये पढ़ेगी भी, इसको जो शारीरिक कष्ट होना वो नहीं हो, क्योंकि इसका ऊपर से गिरने का योग बनता है।
ऊंचाई से कभी गिरी है? नहीं अभी तो नहीं गिरी है, वैसे दौड़ती रनिंग करती है तो कभी कभी गिर जाती है। नहीं ऊंचाई से नहीं गिरी। नहीं वो किसी छत से, पेड़ से, बाउंड्री वॉल से, ऐसे ऊंचाई से गिरने का योग इसकी कुंडली में है? अभी नहीं गिरी। भगवान रक्षा करे आगे भी ना गिरे, अच्छी बात है। परंतु सुंदरकांड का पाठ वगैरह करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, लिंक हम भेज देंगे, आप उसको सुन लिया करें रोजाना इसके नाम से। जी गुरु जी, कुछ मतलब आगे पढ़ने भी है, कुछ पढ़ने का योग की मतलब ऐसे ही रहेगा? योग तो बहुत अच्छे नहीं, ऐसे बच्चे दसवीं बारहवीं पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। बाकी बातचीत में बहुत चतुर रहते हैं, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुंडली बता रही, पढ़ाई की गारंटी नहीं। उनके पेरेंट्स साथ में ना जितने चिंता होती है, इनके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, इतने चिंता होती है कि क्या करेंगी, मेरे साथ अकेली रहती है। आप सुंदरकांड सुनिए, भगवान ने चाहा तो एक आध महीने डेढ़ महीने में आपको फर्क स्पष्ट दिख जाएगा। जी ठीक है जी। फिर जब आपकी गुंजाइश होगी, आप चाहेंगी थोड़ा बड़ी होगी तो उसे एक नीलम रत्न पहना देंगे, अच्छा सा जी, तो उससे सुधर ले, ठीक है जी। गुरु जी आज से उनको नीलम रत्न मतलब चाहिए था हमारी बच्ची के लिए भी, बेटी के लिए। हाँ। तो वो कितने तक आएगा, तो आप मतलब भेज सके कुछ अरेंजमेंट हम कर लें, आप मंगवा लें? व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप में जुड़ी है आपकी? नहीं जी जुड़ी है। तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, हम बता देंगे, लाइव चल रहा, हम दूसरे लोगों को टाइम दे दें, है ना? ठीक है, ओके ठीक है। व्यापार वृद्धि के सटीक